हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज बहुत टाइम के बाद चैनल पे लॉन्ग वीडियो आया है। आज राखी है तो धार्मिक आया है मेरे से राखी बनवाने। खुशी खुशमिता सब आए हैं, उन्होंने भी मेरे पापा को राखी बांधी है। बहुत अच्छा लगा, सब ऐसे आते राखी बनवाते अपने बहनों से, बहुत अच्छा लगता है। फिर सब अपने अपने घर चले गए। मैं और वैष्णव अक्का मॉल चले गए गणपति के शॉपिंग के लिए, कपड़े कुछ खरीदने थे फेस्टिव के लिए। बहुत सारे अभी फेस्टिवल आ रहे हैं, गणेश चतुर्थी आ रहा है, दशहरा आ रहा है, सो बहुत सारा प्लानिंग करना है क्या कपड़े पहनने वगैरह। तो कपड़े तो लिए नहीं, लेकिन रात को 11:30 बजे हमने मिठाई बनाई क्योंकि नेक्स्ट डे रक्षाबंधन था। फिर नेक्स्ट डे हम लोग अपने मामा के घर आ गए। बहुत टाइम बाद हम लोग अपने मामा के घर पे गए। मम्मी तो बहुत टाइम बाद गई है, मैं तो बीच बीच में जाती रहती हूँ कुछ काम के लिए। बहुत मज़ा आया रक्षाबंधन, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ इस बार। सब लोग ने बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छे अच्छे डिशेस बनाए थे मामी ने, बहुत यमी डिशेस थे। फाइनली मैंने धनविन को राखी बांध दी। सबको बांधने के बाद एट लास्ट मैंने धनविन को राखी बांध दी। फिर मैं मासी के घर पे चली गई थी क्योंकि विघ्नेश भाई को भी राखी बांधनी थी। उनके रिलेटिव्स भी आए थे, मतलब उनके पापा के साइड से जो उनकी बहनें हैं वो भी उनको राखी बांधने आई थी। पहले जोशक्का ने राखी बांधी, फिर उनके रिलेटिव्स ने राखी बांधी, फिर जाके मेरा टाइम आया ये, तो तब मैंने राखी बांधी। बहुत अच्छा लगा, ये साल का राखी बहुत ही ब्यूटीफुली गया है हमारा, बहुत ही स्वीट सा अच्छा एकदम, बहुत अच्छा राखी था आज इस बार का। मेरा बर्थडे हमेशा 23 को होता है अगस्त के, लेकिन पूरी फैमिली मतलब मेरी ननिहाल के साइड में जो भी है, नानी, मामा, मामी, रोशनी, मासी, मम्मी, सब ने मिलके प्लान किया कि मेरा आज बर्थडे मना है रक्षाबंधन के दिन, क्योंकि मैं हमेशा अपने घर पे रहती हूँ या अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने कजिन्स वैष्णव या अक्का उनके साथ मनाती हूँ बर्थडे। तो आज मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी बर्थडे। Yeah.